आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के हल्ला बोल पर बोले जेडीयू नेता मोहम्मद अशरफ फातमी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में टारगेट करके दंगे कराए जा रहे हैं, बिहार में चाचा भतीजे का राज है और बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। तमाम बड़े बयान हैं जो मोहम्मद अशरफ फातमी ने बिहार में हुए दंगों को लेकर हल्ला बोल पर कहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये टारगेट करके इस तरह के दंगे कराए जा रहे हैं देश के अंदर। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर चचा भतीजा का राज है और यहां पर इनका दाल गलने वाला नहीं है। और बहुत अफसोस है, जो भी नुकसान हुआ, चाहे सासाराम के अंदर हुआ हो या बिहार शरीफ के अंदर हुआ हो, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों को अफसोस है कि ये घटना हो गई और किस तरह से हुई पूरी दुनिया जानती है। और दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा, और नीतीश कुमार जी ने कह दिया है। मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर चचा भतीजे का राज है, यहां पर यह सब चलने वाला नहीं है। और आपने आइंदा ध्यान रखिएगा, याद रखिए कि चौबे साहब के बच्चे भी जेल गए थे, अगर याद हो, अगर भागलपुर के दंगे के अंदर।